वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 15 मार्च 2021 और 15 मार्च 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ और अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप घर बैठे रहकर इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स के जितने वीडियो पड़े हैं सभी को देखिए और निरंतर इसे देखने का आदत बनाइए। ये रोजाना सुबह अपलोड होता है, आप इसे देखकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और इसका पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि बिहार में पटना के बाद राज्य का दूसरा चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस जिले में बन रहा है, तो बिहार में पटना के बाद राज्य का दूसरा चिड़ियाघर का निर्माण अररिया के रानीगंज में किया जा रहा है। जो संजय गांधी जैविक उद्यान है ये पटना में है, जिसे कि पटना जू के नाम से जाना जाता है, और ये राज्य का पहला चिड़ियाघर है। जो कि दूसरा जो प्रस्तावित है ये अररिया में है, इसका निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है, जो कि 89 एकड़ पर फैला होगा। तो आप ध्यान रखिए इसका राइट आंसर होगा अररिया। चलिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की अनामिका कमलकांत झा और हुसैन उल हक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि बिहार के हिंदी कवित्री अनामिका, मैथिली रचना रचनाकार कमलकांत झा व उर्दू के रचनाकार हुसैन उल हक को वर्ष 2020 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अनामिका को हिंदी कविता संग्रह टोकरी के दिगंत गौरी गाथा के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वहीं पर कमलकांत झा को गाछ रूसल आछे और हुसैन उल हक को अमावश में ख्वाब उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ये तीनों बिहार से संबंधित है, ये तीनों को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे बात है यह बिहार की, तो बिहार से रिलेटेड एक बार पुनः आप रिवाइज कर लीजिए। गवर्नर है फागु चौहान, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, राजधानी पटना, पक्षी जो राजकीय पक्षी है गोरैया है, राजकीय पशु बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल गेंदा, और ये मैप में इस बिहार की स्थिति है। और बिहार का जो राजकीय चिन्ह है ये है दो बौद्ध वृक्ष, दो स्वास्तिक के बीच में बौद्ध वृक्ष, तो इसे ध्यान रखिएगा ये राजकीय चिन्ह है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बनी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मिताली राज। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर तथा एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किसके लिए एक वेबिनार का आयोजन किया है। हाल ही में इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर तथा एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किसके लिए एक वेबिनार का आयोजन किया, तो ये महिलाओं के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया गया है हाल ही में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में बता दें कि हाल ही में इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर तथा एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अर्थव्यवस्था में महिलाओं के वर्तमान मुद्दों और आगे की राह विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। सही आंसर होगा महिलाओं के लिए ये वेबिनार का आयोजन किया गया। ये दोनों संस्था का नाम याद रखिएगा, इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर तथा एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, दोनों ने मिलकर इस वेबिनार का आयोजन किया। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बने हैं हसमत उल्लाह शहीदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, हसमत उल्लाह शहीदी, जो कि अफगानिस्तान के पहले ऐसे बल्लेबाज बने जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक मारा है। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये किसी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया। सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पुलिस महानिदेशक पश्चिम बंगाल के हैं जिन्हें भी तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया गया है। सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पे टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूँ, आप लोग को मैंने कई बार बताया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें P21 लिख के मैसेज कीजिएगा, उसके बाद तमाम इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सअप पे भेजी जाएगी। ये सभी प्रक्रिया जो है ये ऑटोमेटिक है, आप मैसेज करेंगे तुरंत आपको इसका जो भी मतलब प्रोसेस है इसमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का वो सभी तुरंत आपको मिल जाएगा। ध्यान रखें यहाँ पर आप 67वीं बीपीएससी प्राथमिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज और मंथली करंट अफेयर से प्राप्त करते हैं, और साथ ही बिहार जीके की संपूर्ण तैयारी आपकी यहाँ पे होगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है। हाल ही में वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है। राइट आंसर होगा क्रेग ब्रैथवेट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे
क्रेग ब्रैथवेट इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अभी हाल ही में वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट टीम का नया कप्तान क्रेग ब्रैथवेट को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ऑफर देने को लेकर 184 चीनी वेबसाइटों को बंद कर दिया है? यह भी किस देश के द्वारा किया गया है कि मिलावटी सामान को बेचने और फर्जी ऑफर देने को लेकर 184 चीनी वेबसाइटों को बंद किया गया? तो ये किया गया अभी हाल ही में सऊदी अरब के द्वारा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के मीडिया नियामक एजेंसी ने हाल ही में किस चीनी ऐप को फिर से प्रतिबंधित कर दिया है? ध्यान रखिएगा ये फिर से पुनः प्रतिबंधित किया गया है, ये चीनी ऐप को पुनः प्रतिबंधित किया गया है। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान की मीडिया नियामक एजेंसी ने टिकटॉक को पुनः प्रतिबंधित किया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टिकटॉक। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र जो खोला गया है ये उत्तराखंड में खोला गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयासों को बढ़ाने हेतु टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? ये ध्यान रखिएगा टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यूजीलैंड के द्वारा भी हाल ही में ये उद्घाटन किया गया। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के प्रश्न की ओर, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर तिब्बतियों ने तिब्बत का झंडा लहराकर विद्रोह दिवस मनाया है? इस प्रश्न का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में किस स्थान पर तिब्बतियों ने तिब्बत का झंडा लहराकर विद्रोह दिवस मनाया है? अगर आपने पिछले वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। और आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको जो टेस्ट सीरीज मिलता है ये आपको वन टाइम पेमेंट करना है 399 का। अगर आप इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो ये जो होगा वन टाइम पेमेंट होगा, ये 1 साल के लिए वैलिड होगा, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगा, बिहार जीके की संपूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी और भी महत्वपूर्ण PDF है जो इसके अंतर्गत आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप घर बैठे रहकर BPSC या फिर CDPO की तैयारी में, सॉरी सरसठवीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा और CDPO प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो आपकी संपूर्ण तैयारी यहाँ पर प्री एग्जाम की हो जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। अगर आप ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें डायरेक्टली प्री 21 लिख के मैसेज करें या फिर हमें कॉल भी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।